गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेलकम टू दी एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ मिरर इमेजेस। बेसिकली जो बच्चे एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या जेके एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है मिरर इमेजेस। अब मिरर इमेजेस में हमने करना क्या होता है, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है। तो बच्चे आपको मिरर के आगे जो इमेज बनती है वो देखनी होती है। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये एरो है, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। अब मैं बोलूँ उसके मिरर के आगे इमेज क्या बनेगी, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो बच्चे ये एरो ना इस टाइप से बनेगा, मतलब लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी इसकी, ठीक है। जैसे ये बॉल रखी है मैंने इस तरह से, और मिरर के आगे इमेज बन जाएगी इस तरह से, इस टाइप से आ जाएगी। फिर से बताता हूँ, मिरर के आगे ये इमेज इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है। जैसे एफ है, एफ तो मिरर के आगे ये जो दो लाइंस हैं ये इस तरह से आ जाएंगी और इस तरह से इमेज बन जाएगी मिरर के आगे, ठीक है। जैसे बी है तो ये इस तरह से बन जाएगा बी मिरर के आगे, ठीक है। तो हमें मिरर इमेज पहचाननी है, तो इसमें मैं एक ट्रिक यूज़ करूँगा जिसको बोलूँगा ऑड वन आउट। जो ऑड वन होगा उसको आउट कर देंगे। जैसे मुझे पूछा गया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट है तो मिरर के आगे कौन सी इमेज होगी इसकी, तो बच्चे सबसे पहले मुझे देखना है कि इनमें से ऑड वन वाली कौन सी है। जैसे ये फिगर है तो मुझे चीज़ देखनी है कि ऐसी कोई फिगर सिमिलर वापस तो नहीं दी हुई है, पहले उसको आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसी सिमिलर फिगर तो हमें कोई भी नहीं दी गई हुई है, मगर इसने बोला हुआ है कि ये एरो ऐसे हो जाएगा और ये फिगर ऐसे रहेगी फर्स्ट वाली में, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है बच्चे, ये गलत होगा। अब ये एरो, अगर ये एरो ऐसे है तो मिरर में ये एरो ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये एरो ऐसे किस में है, इस तरह से, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो इसका मतलब हम सी पार्ट को आंसर ले सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बच्चे ऑप्शन सी होगा। उसी तरीके से ही क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, ध्यान से समझेंगे बड़ा इजी वे से कि ये सिक्स दिया हुआ है। अब ये सिक्स दिया हुआ है तो मिरर में ये इमेज कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है, मगर नाइन नहीं बन सकता, ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, नाइन नहीं हो सकता। ये इसको नाइन को रिवर्स किया है, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा। अब आप बोलोगे सर दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं, मैंने कहा इसका गैप देखो, इसका गैप बड़ा कम है, तो यहाँ पे भी गैप कम है, यहाँ थोड़ा गैप बड़ा आ रहा है, ठीक है बच्चे। और ये जो इसकी मूवमेंट है सी की छोटी सी, तो ये बिल्कुल सेम आ रही है, तो सेकेंड पार्ट इसका ऑप्शन हो सकता है, तो इसका हम बी पार्ट आंसर लिख सकते हैं। अब थर्ड पार्ट दिया है कि इसके मिरर इमेज क्या होगी, अगर ये फिगर इस साइड आ जाएगी और ये फिगर इस साइड आ जाएगी, बस ये चीज़ याद रखनी है। तो सबसे पहले देखो कि ये फिगर इस साइड कहाँ कहाँ आई हुई है, एक दो, ये नहीं आई है, ये बाहर हो गया, ये तीन, अब तीनों में से एक ऑप्शन होगा, तो मैंने एक ऑप्शन को बाहर कर दिया। अब मैंने देखना है कि तीनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बच्चे सबसे पहले मैं ये चीज़ देखता हूँ, इम्पॉर्टेंट है जो आप समझोगे कि ये बॉल जो है कितनी पास है, यहाँ पे बॉल कितनी दूर हो गई है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पे ही बॉल ऑप्शन दूर हो गई है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन बचा है, तो डी पार्ट इसका आंसर होगा, बॉल भी पास है और मिरर इमेज ऐसे बनेगी, तो इसका आंसर बच्चे डी पार्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो बच्चे अगर ये वन पॉइंट है तो वन पॉइंट ही रहेगा, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही रहेगी, ये दो पॉइंट है तो दो पॉइंट ही रहेंगे, ठीक है बच्चे, इतनी चीज़ याद रखनी है। अब क्या हो जाएगा, मिरर में ये वाली इमेज जो है ये बच्चे पहले आ जाएगी इस साइड, तो ये ऐसे रहेंगे, ठीक है, तो इस तरह से मैं देख सकता हूँ इसको, तो इस तरह से ऑप्शन जो है ये तो पहले ही बाहर हो गया, ये ऑप्शन, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर ट्राइंगल रिवर्स होगी, ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, ये बचा आंसर, तो इसका आंसर बच्चे सी पार्ट होगा। अब क्वेश्चन में फिफ्थ पे आते हैं,
तो देखिए बच्चे, अगर मिरर में ये इमेज चली जाए तो ये वाले जो एरो हैं वो इस टाइप में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो ये वाले एरो इस तरह से कहाँ कहाँ पर हैं, एक दो, ये नहीं है, ये है, तो इसका मतलब ये आउट हो गया। अब तीनों में से एक ऑप्शन ढूंढना हमने, कौन सा सही होगा। ठीक है बच्चे, अब देखना कौन सा सही होगा। अब ये वाला जो बॉक्स है ये इस साइड आ जाएगा। तो देखो बॉक्स इस साइड कहाँ पे आए हुए, यहाँ पे भी आए हुए, यहाँ नहीं आया, ये बाहर हो गया, ये दोनों बाहर हो गए। पर अगर ये बॉक्स इस साइड आएगा तो ये वाला जो फिगर है ये भी आनी चाहिए थी, तो ये भी बाहर हो गया, ये बचा फोर्थ पार्ट। तो डी पार्ट इसका आंसर होगा बच्चे। तो विद इन 2 सेकेंड हमने इसका आंसर निकाल लिया। अगर मैं इसको मिरर में लिखता, अब बच्चे इस फिगर को देखूं मैं, तो सबसे पहले ये ई आना चाहिए, और ई जो होगा वो इस फॉर्म में आएगा, फिर ये वी आना चाहिए, वी वैसे ही रहेगा, आई वैसे ही रहेगा, टी वैसे ही रहेगा। तो देखो ये वाली चीज़ें कहाँ बन रही हैं, तो इसमें ई सीधा है, ये गलत हो गया, इसमें इस फॉर्म में है, ठीक है, इसमें भी गलत हो गया, इसमें इस फॉर्म में है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। आप फिर चेक करते हैं, यहाँ पे एफ हमेशा इस फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे एफ जो है सीधा आया हुआ है। ठीक है बच्चे, ये भी बाहर हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा फर्स्ट, तो इसका आंसर ए पार्ट होगा। तो बड़े इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखते हैं क्या कह रहा है कि ये फिगर किस फॉर्म में आएगी। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले 6 रिवर्स हो जाएगा, वो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से नहीं आएगा, यही ऑप्शन बचा है, तो हमारा डी पार्ट इसका आंसर हुआ होगा। तो हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम सीधा लिखेंगे फोर्थ पार्ट आंसर है। तो कई क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से निकल जाते हैं। फिर पूछता है कि ये फिगर जो है ये किस फॉर्म में आएगी। अगर मैं इस बी को देखता हूँ, रिवर्स वाले को, तो बी जो होगा बच्चे वो इस फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे भी इस फॉर्म में, यहाँ पे भी इस फॉर्म में, यहाँ पे भी इस फॉर्म में, ये भी इस फॉर्म, आर भी ठीक है। अगर मैं यहाँ से चलूँ, अगर मैं यहाँ से आऊँ, तो आई ऐसे ही रहेगा। ठीक है बच्चे, एच में कोई चेंज नहीं आएगा, एच ऐसे ही रहेगा। 6 जो होगा वो बच्चे भी इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस फॉर्म में है, यहाँ पे भी इस फॉर्म में है, इन दोनों में, पर इसमें 6 सीधा है, ये गलत हो गया, यह 9 बन गया है, ये गलत हो गया। तो ये दो ऑप्शन मैंने आउट कर दिए। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बचेगा। बच्चे क्यू सीधा नहीं आ सकता, क्यू इस फॉर्म में आएगा, तो ये क्यू से पता चल गया कि इसका फर्स्ट पार्ट आंसर होगा, तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट को क्लिक कर दिया। अब 9th पे आता हूँ बच्चे, तो पेंटेड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं देखना है कि सबसे पहले डी आएगा, डी इस फॉर्म में आएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, फिर जो ई है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, टी जो है वो इसी फॉर्म में रहेगा जो फॉर्म में है। ठीक है, एन जो है वो इन्वर्टेड इस तरह से आ जाएगा एन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये एन सीधा है, यहाँ नहीं हो गया, यहाँ पे जो टी है वो रिवर्स हो गया, ये भी बाहर हो गया, यहाँ पे ई जो है वो सीधा हो गया, ये भी बाहर हो गया, बचा बी पार्ट। तो बी पार्ट इसका आंसर होगा बच्चे, तो बी पार्ट से हम इसको चूज़ कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं बच्चे, तो फिर बोलता है कि चूज़ करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मुझे पता है कि आंसर यहीं से शुरू होगा, 2 से, जब फिगर बनाएंगे 2 वाली फिगर पहले आएगी, तो 2 वाली फिगर कुछ इस फॉर्म में आएगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यही बचा, तो बच्चे यही आंसर होगा सेकंड पार्ट। तो कुछ क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से निकल सकते हैं, तो मिरर इमेज वाले क्वेश्चन हम इस तरह शॉर्ट ट्रिक्स करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बच्चे आपको समझ आया होगा। थैंक यू।